गुड मॉर्निंग क्लास सो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे वी आर डिस्कसिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल तो हमने पांच फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी अब कुछ जो रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे सो so, देखो हमने लास्ट क्लास में बात की थी फिजिकल स्टेट के बारे में बात की थी देन वी टॉक्ट अबाउट मेलिएबिलिटी देन डक्टिलिटी एंड दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अब हम बात करेंगे The six properties that metals are lustrous. अब lustrous का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हमारे पास क्या है कि मेटल क्या होते हैं metals में एक inherent shine होती है वो shine करते हैं जिसको हम हिंदी में अगर तुम बात करें तो चमक जो बोलते हैं that is our luster ठीक है so हमारे पास lustrous में क्या है कि metals have shining surface. मेटल्स है शाइनिंग सर्फेस उनका शाइनिंग सर्फेस होता है हमारे पास मेटल्स का ठीक है तो इसमें हमारे पास क्या है कि यही इसी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि इट मेक्स दम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी ठीक है सो so, ज्वेलरी बनाने के लिए हमारा क्या होता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनकी ज्वेलरी हम बना सकते हैं जैसे हमारे पास क्या होता है गोल्ड एंड सिल्वर गोल्ड और सिल्वर के क्या करते हैं हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना तो यही रीजन होता है क्योंकि उनमें क्या होता है लश्चर होता है एक शाइन होती है तो वो ऑर्नामेंट के लिए एक बेटर हमारे पास ऑप्शन होता है उसके बाद हमें बात करनी है हार्डनेस की कि मेटल्स हमारे क्या होते हैं हार्ड होते हैं So, यहां पे हमारे पास क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड ऑलमोस्ट सारे मेटल्स हार्ड होते हैं जैसे तुमने देखा होगा आयरन है कॉपर है कोई भी मेटल अगर तुम देख लो क्या होते हैं बहुत हार्ड होते हैं लेकिन कुछ मेटल्स क्या होते हैं सॉफ्ट भी होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटैशियम सोडियम का सिंबल क्या होता है सोडियम का सिंबल है एन ए पोटेशियम का सिंबल है के सो सोडियम और पोटेशियम हमारे हार्ड नहीं होते ये सॉफ्ट होते हैं कैसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं और इनका क्या है कि दे कैन बी दे कैन बी ईजिली कट विद नाइफ knife. एक नाइफ से हम क्या कर सकते हैं उसको ईजिली कट कर सकते हैं ठीक है ये इतने सॉफ्ट होते हैं सो so, हार्डनेस में क्या होता है सारे मेडल्स हार्ड होंगे एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम ये दोनों सॉफ्ट होते हैं इजिली कट कर सकते हैं नाइफ से उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वी टॉक अबाउट टेनसाइल स्ट्रेंथ अब देखो टेनसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि मेटल्स की क्या होती है मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज दे आर वेरी स्ट्रांग टेंसाइल स्ट्रेंथ का सिंपल मतलब मैंने तुम्हें उस टाइम भी बताया था कि क्या कर सकते हैं वो बहुत सारे स्ट्रेस बियर कर सकते हैं वो इजीली टूटते नहीं है कि मतलब हम उन पर कितना भी वेट डाल सकते हैं कितना भी स्ट्रेस डाल सकते हैं कितनी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो ना टूटे उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज नहीं टूटती इतने फोर्स इतने स्ट्रेस इतने वेट के बाद भी उसको हम बोलते हैं कि दिस मटीरियल हैज अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है तो हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम लें सो आयरन कैन बे अ लॉट ऑफ स्ट्रेस सो आयरन की क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है नेक्स्ट हमारे पास आएगा सोनरस सोनरस का क्या होता है कि इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड वेन हिट बाय हैमर अगर हम क्या करें हैमर या किसी भी हम कोई मेटल की पीस से या उससे स्ट्राइक करते हैं तो क्या करते हैं जो मेटल होते हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है सोनरस की मेटल्स आर सोनरस दैट इज दे मीन दैट दैट दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड वेन दे आर हिट बाय अनदर पीस ऑफ मेटल और बाय लेट हैमर ठीक है तो सोनरस क्या होगा एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे मेटल्स हमारे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल इसी से मतलब हमें समझ आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होता है उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ आयरन आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स की हमने बात की है कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास गैलियम गैलियम क्या करता है गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है सो इसका क्या होता है गैलियम का कि गैलियम रूम टेम्परेचर पे तो क्या होता है सॉलिड होता है देखो जब भी अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम सो रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं हमेशा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है ठीक है ऐसा नहीं है कि समर में तुम्हारा रूम टेम्परेचर तुम बोल दोगे कि नहीं सर अब तो 45 हो गया या विंटर्स में बोल दोगे सर अब तो 10 हो गया जब भी हम साइंस में बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर हमेशा ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं सो रूम टेम्परेचर पर तो ये क्या होता है सॉलिड होता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट थर्टी डिग्री सेल्सियस है लेकिन क्या होगा अगर तुम इसको अपने हाथ पे रखते हो अब हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस सो क्या हो जाएगा वो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चला गया तो गैलियम हमारा एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा सॉलिड होगा लेकिन जैसे ही तुम उसको अपनी पाम पे रखते हो वो क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो पाम पे रखते ही मेल्ट हो जाता है वो हमारा क्या होता है गैलियम होता है ठीक है और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें बात करनी है लास्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम कलर की तो कलर का कुछ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है देखो ये हर मेटल का अपना अलग अलग हो सकता है लेकिन फिर भी हम एक प्रॉपर्टी एक बेसिक डिफाइन कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं मोस्ट मेटल्स हमारे कैसे होते हैं ग्रे कलर के होते हैं ठीक है ग्रे और भी कुछ से ग्रे और सिल्वर ग्रेस सिल्वरिश ऐसा कलर होता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स का कुछ मेटल्स का अलग कलर होता है जैसे हमारे पास कॉपर है कॉपर का सिंबल होता है सी यू कॉपर होता है हमारा रेड ब्राउन कलर का कॉपर तो तुमने देखा हुआ है घर पे कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं एंड हमारे पास गोल्ड होता है गोल्ड होता है येलो कलर का ठीक है सो अलग अलग कलर्स हो सकते हैं कोई ऐसा वो नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल का अगर तुम देखोगे तो ग्रेस या सिल्वरिश ग्रे ऐसा ही कलर मिलता है कॉपर का रेड ब्राउन होता है गोल्ड का हमारा येलो होता है तो यहां तक हमारा क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट हो गई है ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लेना कुछ जो इनमें अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्लियरली तुम्हें याद होने चाहिए जैसे हमारे पास हार्डनेस में हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि वो कैसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं बाकी और हमारे पास क्या हो सकता है जैसे यहाँ पे ये हाई मेल्टिंग इन बॉयलिंग पॉइंट था तो यहाँ पे गैलियम एक अलग सा हमारा एग्जाम्पल था तो ये एग्जाम्पल्स सारे क्लियरली याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कि मेटल अलग अलग सब्सटांसिस के साथ या एयर के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके कैसे क्या रिएक्शन शो करता है क्या प्रोडक्ट बनाता है वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे